तो गैस फ्री फायर गेम जैसे मैं ओपन करता हूँ मैच वगैरह ज्वाइन करने के लिए, यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लोडिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, और ये जो लोडिंग का प्रॉब्लम है बहुत देर तक हो रहा है, यहाँ तक कि लोडिंग का प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रहा है। उस साथ ही साथ ना तो गेम खेलने को मिल रहा है, ना तो किसी गेम में ज्वाइंट होने को मिल रहा है। तो अगर आपके साथ फ्री फायर में सेम टू सेम प्रॉब्लम यही वाली दिक्कत देखने को मिल रही है कि आप भी अपना फ्री फायर गेम को ओपन कर रहे हैं और आपको लोडिंग कोई भी चीज़ जब आ जाती है तो वहाँ पर लोडिंग आ जाता है, तो इस लोडिंग वाले प्रॉब्लम को आपको कैसे फिक्स करना है आपको सब कुछ इसी वीडियो में देखने को मिलने वाला है। आपको बस एक सेटिंग कर लेनी है जिससे कि आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, फिर आप फ्री फायर गेम को आसानी से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद साथ ही साथ आप फ्री फायर गेम मैच में भी इंटर कर पाएंगे, जैसा कि लोडिंग से मैच में भी इंटर होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अब यहाँ पर फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में ही रहना है, क्योंकि मोबाइल की सेटिंग के ज़रिए आप अपनी इस प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे जिससे कि आपका जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो फिक्स होता है, तो आपका ये प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगा। उसके लिए आपको चलना है अपने मोबाइल की सेटिंग में। तो आपको मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको कनेक्शन एंड शेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको कनेक्शन एंड शेयरिंग में जाएंगे, तो उस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको मोबाइल से रिलेटेड, सिम से रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको यहाँ से बैक हो जाना। बैक होने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा मोबाइल नेटवर्क, तो आपको मोबाइल नेटवर्क में जाना। उसके बाद यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग मिलेगा, एडवांस सेटिंग को छोड़ कर ऊपर तरफ आपको सिम वन दिख रहा होगा, तो आपको सिम वन पर जाना है। जैसे अगर आप सिम वन से खेल रहे हैं तो सिम वन पर क्लिक करिए, अगर आप सिम टू से खेल रहे हैं तो आप सिम टू पर क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं सिम वन पर जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर तरफ इनेबल मिलेगा, ब्लू कलर का व्हाइट कलर का टिक होगा, तो आपको इसको डिसेबल कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल होना स्टार्ट हो जाएगा, साथ ही साथ ये डिसेबल हो जाएगा। अब आपका सिम नेटवर्क पूरी तरीके से बंद हो चुका होगा, जैसा कि सिम आपने नहीं लगाया हो इस तरीके से हो गया होगा। फिर आपको कम से कम 5 मिनट वेट करके फिर से आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे तो आपका जो नेटवर्क है वो पूरी तरीके से रिफ्रेश करेगा। रिफ्रेश करने के बाद फिर से आपको एक ताजगी वाला नेटवर्क देखने को मिलेगा। अब आप जाके फ्री फायर में जैसे गेम वगैरह डाउनलोड, गेम वगैरह ज्वाइन करेंगे, मैच में इंटर करेंगे, तो आपको कोई एरर नहीं आएगा, लोडिंग का भी एरर यहाँ से फिक्स हो जाएगा।